अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तजमल है और ये है हमारी 15,000 के बेस्ट स्मार्टफोन की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन्हें 15,000 की रेंज में एक फास्ट चार्जिंग के कॉम्पैक्टेबल स्मार्टफोन चाहिए। आसान लफ्जों में बताऊं तो भाई जो स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता हो, जिनको ऐसा स्मार्टफोन चाहिए तो भाई उनके लिए हाजिर है इस लिस्ट में तीसरा स्मार्टफोन जो कि शाओमी का रेडमी 8A है। रेडमी 8A में आपको 6.2 इंचेस का 720 पिक्सल वाला IPS पैनल देखने को मिल जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस प्राइस टैग में भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। Redmi 8A में अगर प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 439 का चिपसेट देखने को मिलता है और ये एक ऑक्टाकोर चिपसेट है जो कि 12 नैनोमीटर वाले आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। Redmi 8A में अगर अंततु बेंचमार्क की बात करें तो अंततु बेंचमार्क पर Redmi 8A का 2GB 32GB के कॉम्बिनेशन के साथ में स्कोर 88,000 के करीब में आता है। और Redmi 8A में अगर PUBG के ग्राफिक्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको बैलेंस ग्राफिक पर मीडियम फ्रेम रेट देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा आप फ्रेम रेट पर इसको नहीं खेल सकते। और भाई पबजी खेल रहे हैं तो भाई बैटरी लाइफ भी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, तो भाई इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जाती है। और भाई बड़ी बैटरी है तो फास्ट चार्जिंग भी होनी चाहिए, तो भाई जी हाँ, ये स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन में आपको 18W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है। और अगर बात करें चार्जर की तो भाई बॉक्स के अंदर आपको 18W का चार्जर देखने को नहीं मिलता, आपको मार्केट से अलहदा से परचेज करना पड़ेगा। ये तो हो गए अब इस स्मार्टफोन के प्रोज, और अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो भाई इस स्मार्टफोन में दो ही कॉन्स हैं, जो कि एक तो इसका डुअल कैमरा सेटअप होना चाहिए था, वो नहीं है क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड पर एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह कि इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन भाई बड़ा ब्रांड कोई भी आपको 15,000 की रेंज में फिंगरप्रिंट स्कैनर तो वैसे भी नहीं देता। और भाई रही बात दूसरे कैमरे की, तो भाई वो सॉफ्टवेयर बेस के जरिए भी किया जा सकता है और इस स्मार्टफोन में आपको पोर्ट्रेट मोड वैसे भी देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपको 15,000 की रेंज में एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें पबजी अच्छी चले और 5000mAh की बड़ी बैटरी भी हो और साथ में फास्ट चार्जिंग भी हो, तो भाई आप Redmi 8A की तरफ जा सकते हैं। Redmi 8A की प्राइस पाकिस्तान में 16,000 रुपए 2GB 32GB के साथ में, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये स्मार्टफोन आपको 15,000 तक मिल सकता है। नेक्स्ट जो फोन मैंने इस लिस्ट पे रखा है वो आता है रियलमी की तरफ से और ये है रियलमी का C2 की बात करें तो C2 में आपको 6.1 इंच का 720 पिक्सल वाला IPS पैनल देखने को मिल जाता है और इस डिस्प्ले पे भी आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और अगर बात करें प्रोसेसर की तो रियलमी C2 में आपको मीडियाटेक का हीलियो P22 का चिपसेट देखने को मिलता है। और रियलमी C2 में अगर अंततु बेंचमार्क की बात करें तो अंततु बेंचमार्क पर रियलमी C2 का स्कोर 78,000 के अराउंड में आता है और ये Redmi 8A से कम है। और अगर Redmi 8A और Realme C2 को कंपेयर किया जाए तो भाई Realme C2 को मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहूँगा क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और आपको जो डायमंड कट डिज़ाइन भी है वो भी काफ़ी खूबसूरत Realme C2 में देखने को मिलता है। और Realme C2 में भी आप Redmi 8A की तरह PUBG में बैलेंस ग्राफिक पर मीडियम फ्रेम रेट पर खेल सकेंगे। और अब हीलियो P20 को स्नैपड्रैगन 439 से कंपेयर किया जाए तो भाई हीलियो P22 स्नैपड्रैगन 439 से ज्यादा स्टेबल है। Realme C2 में आपको 4000mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है और पाकिस्तान में 2GB 32GB के साथ में इसकी प्राइस 16,000 रुपए और डिस्काउंट के बाद आपको ये स्मार्टफोन 15,000 में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो इस लिस्ट पर मैंने रखा है वो आता है दी ब्रांड की तरफ से। अली भाई आपका डायलॉग कॉपी कर रहा हूँ, तो भाई ये आता है सैमसंग की तरफ से और यह है सैमसंग का A01। और सैमसंग गैलेक्सी A01 में आपको थोड़ा सा छोटा पैनल देखने को मिलता है बाकी स्मार्टफोन के नस्बत। इस स्मार्टफोन में आपको 5.7 इंच का IPS पैनल देखने को मिलता है जो कि एक 720 पिक्सल वाला यानी HD पैनल है। सैमसंग गैलेक्सी A01 में आपको स्नैपड्रैगन का 439 का चिपसेट देखने को मिलता है। और अगर बात करें अंततु बेंचमार्क की तो सैमसंग गैलेक्सी A01 में अंततु बेंचमार्क 92,000 के अराउंड में आता है। और अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी A01 में पबजी ग्राफिक्स की तो इसमें भी आपको बाकी स्मार्टफोन की तरह बैलेंस ग्राफिक पर मीडियम फ्रेम रेट ही देखने को मिलेंगे। सैमसंग गैलेक्सी A01 में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें 13MP का मेन लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और इस स्मार्टफोन में भी आपको बाकी स्मार्टफोन की तरह कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा। और भाई इस स्मार्टफोन में आपको बाकी स्मार्टफोन की नस्बत बैटरी कैपेसिटी और स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम देखने को मिलती है। बैटरी स्मार्टफोन में आपको 3
3000 mAh की देखने को मिलती है और स्टोरेज कैपेसिटी आपको 16 GB की देखने को मिलती है। मतलब ये स्मार्टफोन 2GB 16GB के साथ में पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च किया गया 16,000 की प्राइस टैग में, और ये फोन आपको 15,000 या 15,500 के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में डिस्काउंट के बाद मिल सकता है। अगर भाई आप ब्रांड के फैन है तो भाई आप सैमसंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन सैमसंग में आपको बैटरी कैपेसिटी और स्टोरेज कैपेसिटी कम देखने को मिलती है 15,000 में। अगर दूसरे ब्रांड्स के साथ यानी रियलमी और शाओमी के साथ में कंपेयर किया जाए तो रियलमी C2 और शाओमी को रेडमी 8A दोनों में आपको 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें बैटरी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा और 2 से 2.5 दिन आराम से चल जाए और पबजी का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा, तो भाई रेडमी 8A की तरफ जा सकते हैं। लेकिन रेडमी 8A में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जो कि इसका एक कॉन है। और अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें पबजी अच्छी चले और भाई उसमें डुअल कैमरा सेटअप हो और उसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी 32GB की हो, तो भाई आप रियलमी C2 की तरफ जा सकते हैं। उसमें आपको पबजी भी अच्छी देखने को मिलेगी और 32GB की इंटरनल स्टोरेज, डुअल कैमरा सेटअप और भाई 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी भी देखने को मिलती है जो कि एक दिन तक नॉर्मल से चल जाएगी। लेकिन भाई अगर ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं तो भाई सैमसंग गैलेक्सी A01 की तरफ जा सकते हैं। अच्छा स्मार्टफोन है, गेम काफ़ी अच्छी प्ले करता है, लेकिन भाई बैटरी कैपेसिटी 3000 mAh की है और स्टोरेज आपको 16GB की देखने को मिल रही है। बाकी स्मार्टफोन में आपको 32GB की देखने को मिल रही है, लेकिन भाई ब्रांड है तो भाई आप बाय कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A01। इन तीनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और भाई आपने अपने लिए कौन सा चूज़ किया है वो भी लाजमी बताइएगा और क्यों किया है वो भी लाजमी बताइएगा। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल।